आजकल जो हमारा लेसन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आज डिस्कस करूँ यूजली दिस इज नॉट लाइक डन विद यूजली टीचर्स ना इसको इकट्ठा नहीं करते हैं बट आई ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद सो हेज द थिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हमने देखा कि द नेमिंग स्कीम इज डिफरेंट वी सो के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है वी सो के चीजें किस तरह से उनकी बॉन्डिंग है किस तरह से वो स्पेशली अरेंज हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट And thirdly, organic. Make communication, so that is vocabulary hai. Wo vocabulary humne dekha series hoti hai, function group hota hai There are multiple particles that we will talk about today. The first term that we have is radical. What's a radical? Radical is a species. Notice that I'm not saying a particle. I'm using the word species. कोई फर्क नहीं है पार्टिकल और स्पीशी में दोनों यूज होते विद एन अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट अ रेडिकल इज बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं दिस इज एनीथिंग थिंग दैट हैज एन ऑर्बिटल व्हिच इज इनकम्प्लीट इट हैज वन इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब है कि ये कोवेल एंड बॉन्डिंग कर सकता है सम रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव जैसे क्लोरीन है क्लोरीन में लास्ट शेल में यू हैव दिस सिचुएशन ऑल ग्रुप सेवन है लास्ट शेल सो देरी वेरी स्ट्रोंग रेडिकल हाइड्रोजन एटम इज अडिकल ऑक्सीजन एटम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेडिकल ये उसमें सिचुएशन होती है टू पी फोर होता है इसमें दो ऑर्बिटल हैं विच आर इनकम्प्लीट

तो उसकी रेडिकल की वजह से वो बहुत ऐसे रिएक्शन कर सकता है जो कि हम नहीं करने देना चाहते वो जहां मौका मिलेगा वो उसके अब्डिंग करना शुरू कर देगा वट यू डोंट वॉन्ट दैट सो वी यूज फ्रूट गुड न्यूट्रिशन फूड दैट मेक्सोर कि हमारी बॉडी में इस तरह का कुछ ना रिएक्शन हो अगर ऑप्शन रेडिकल आ जाए कहीं से तो उसके साथ खुद ही रिएक्ट कर जाए और हमारी बॉडी को डेमेज ना करेंट वॉन्ट रेडिकल एंड रेडिकल रेडिकल्स कैन डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड सबसे बड़ा जो नुकसान इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ रेडिकल इज के रेडिकल ऑफ क्लोरीन कैन डैमेज ओजोन ले ओजोन की बॉन्ड तोड़ देते हैं पकड़ गई होल एंटार्कटिका से बड़ा होल करती है सो रेडिकल इज दैट तो एक तो हम ये चीज देखेंगे like right? like so, हम चाहते हैं कि इसको हम कंट्रोल करके चले इट कैन बी वेरी यूजफुल क्योंकि रिएक्शन बड़ी तेजी से करता है लेकिन साथ ही साथ इट कैन बी वेरी डेंजरस इफ यू डोंट वांट द रिएक्शन टू हैपन एक तो ये हो गया दूसरा हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बाकी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते थे कैटाइन और एनाइन कैटाइन को हम कहते थे कि इट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन हैज अ नेगेटिव चार्ज कैटाइन का मतलब है लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एनाइन का मतलब है गेन्ड इलेक्ट्रॉन अच्छा एक तो ये बात हो गई और यूजुअली हम करते कहते हैं कैटाइन का मतलब है लॉस इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द टाइम कैटाइन कैन हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स जरूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है एंड एन कैन हैव अ कंप्लीट ऑर्बिटल बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है देर आर अदर सिचुएशन ऑफ गेटिंग दैट विच इज वाई हमारे पास जब भी ये सिचुएशन हो जब भी ये सिचुएशन हो ऑर्गेनिक में रिएक्शन करते हुए यही तो तीन स्टेजेस हैं जो कि रिएक्ट करती हैं या बिल्कुल खाली हो या हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो इसको हम बोलते हैं कि इसके पास लोन पेयर है और इसको हम बोलते हैं कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन करेगा बॉन्डिंग, लोन या एमपी ऑर्बिटल ये दोनों करेंगे डेटिव बॉन्डिंग, और दो ही तरह के तो ऑर्गेनिक में बॉन्डिंग होती है तो हमने सिर्फ ये देखना है कि किसी चीज में एम्पी ऑर्बिटल तो नहीं है अब एम्पटी ऑर्बिटल दो तरह के हो सकते हैं या तो उसने लॉस्ट इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस से गुजरा हो तो उसके पास एम्टी ऑर्बिटल हो या उसके पास पहले से ही ऑर्बिटल खाली हो जैसे एल्यूमिनियम एटम होता कार्बन एटम बिफोर इट इज हाइब्रिडाइज्ड, खाली ऑर्बिटल है सो दीज थिंग्स यूजली वेन दे गेट अ पॉजिटिव चार्ज वी कॉल देम दिस वन वी विल कॉल कि ये खाली ऑर्बिटल है और पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इट विल पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द रियक्शन आर गोइंग टू बी इनिशिएटेड बाई लोन पेयर्स जो चीज इस लोन पेयर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको पुल करे वी कॉल इट इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स दिस विल हैव अ पॉजिटिव एंड एनी थिंग दैट हैज नेगेटिव चार्ज दैट हैज अ लोन व्हिच विल पुल ऑन दीज पॉजिटिव चार्जेस उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करते हैं आयनिक बॉन्डिंग भी यही थी कोवल्डिंग भी यही थी मेटेलिकॉर्डिंग भी यही थी ऑर्गेनिक रिएक्शन भी यही होंगे रीडॉक्स रिएक्शन भी यही थे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी यही थी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं टू न्यूट्राइज एवरी थिंग या उनके अट्रैक्शन की वजह से रिएक्शन हो जाते हैं यहां भी यही होगा यू जस्ट के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ है पॉजिटिव चार्जेस कहाँ है नेगेटिव चार्जेस कहां है और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ओके okay? तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियो वो चीज होगी जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल या वो जगह जहां से इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो ये न्यूक्लियो है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करेगी ना लेकिन जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियो के पास नेगेटिव चार्ज हो हो सकता है उसके पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर हो ये चीज देख लेना एन एन के पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है उसने हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है न्यूक्लियो फाइल गोज अ हेड जरूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो इट कैन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही ठीक है ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का अपना चार्ज तो है ना वो पुल करेंगे बट इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल में यू डोंट ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव चार्ज यू कैन ऑल्सो गेट अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यू कैन गेट अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है सो नेगेटिव चार्ज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और लोन पे ऑल ऑफ थ्री में से कुछ भी आ गया वो न्यूक्लियर फाइल है वो पॉजिटिव चार्ज तरफ अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए

We can say that okay, this side is electrophilic and this side is nucleophilic. Where do we get these partial charges from? Basically, this one pulls on this shared electrons more, and this one pulls on the shared electrons less. So, so we'll just say electrons are more towards this one and less towards this one, and that is what we call polar bond. And any polar bond will have partial charges. और कहा से आती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वन एटम इज पोलिंग ऑन द शेयर मोर देन अदर ओके सो जब भी आपने देखना है किसी भी रिएक्शन में यू हैव टू कंसिडर क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई फुल चार्ज है कोई स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है या स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है या लोन पेयर है यानी इट शुड बी आयन और इट शुड बी पोलर और इट शुड हैव लोन पेयर अगर इन तीनों सिचुएशन में से कोई भी आ गई है तो वो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करेगी और अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो रेडिकल वाले रिएक्शन करेगा ठीक है सो इट ऑल कम्स डाउन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन अच्छा अब हम रेडिकल्स या ये बनाते कैसे है? बड़ा सिंपल सा तरीका वी गेट अ बॉन्ड एक बॉन्ड बनाई है हमने इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे बॉन्ड कैसे बनती है दे हैव इलेक्ट्रॉन दैट आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन देम अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें एंड वी विल शो दिस एज हाफ बॉन्ड हाफ एरो का मतलब होता है कर्ली एरो का मतलब है मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाफ कर्ली एरो मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सो कर्ली एरो शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो यहां पे अगर मैं हाफ कर्ली एरो कर रहा हूं तो दिस शोज कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ कैसे रहा हूं कि मैं इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं जिसकी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला दे रहा हूं मैंने क्या किया है मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया दिस इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड आई हैव क्रिएटेड रेडिकल्स एंड हाउ आई डू दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं This is called fission या yeah, इसको हम होमोलिटिक वैसे हमारे सिलेबस में वो फिशन का वर्ड यूज करते हैं बट कॉल इट होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि बीच में से एक चीज को पार्ट कर दिया हमने उसके हिस्से कर दिए दो सो so यहाँ पे भी फिशन का भी यही मतलब है कि हमने उसके दो हिस्से कर दिए हमने आ, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फिशन होती है कि एक न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं छोटे हिस्सों में कर देते हैं So, यहां पे भी होमोलिटिक मींस इक्वल पार्ट तरीका है दूसरा तरीका क्या है आई कैन डू हेट्रोलिटिक फिशन अच्छा जी इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दोनों ने शेयर किए हुए हैं मैं कुछ ऐसा करूं कि ये दोनों ही उठा के इसको दे दो किसी एक को दे दूसरे को ना दू कब होगा ये तब होगा जब ये पहले से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल कर रहा हो और वो इलेक्ट्रॉन्स को कम पुल कर रहा हो तो तब ये मेरे लिए आसान हो जाएगा होमोलिटिक करने के लिए मुझे एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एक्सटर्नल एनर्जी दो तरह से आ सकती है एक ऑप्शन क्या है मैं अल्ट्रावायलेट लाइट फेंक दूं दैट इज वन ऑप्शन अल्ट्रावायलेट होना जरूरी नहीं है डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांग द बॉन्ड इज बट हम अल्ट्रावायलेट के देखेंगे क्या अल्ट्रावायलेट लाइट से दो रेडिकल्स बन जाएंगे एक ये ऑप्शन है दूसरी ऑप्शन क्या है कि यू ब्रिंग इन चार्जेस एंड दे डू लाइक दिस तो वो हाइड्रोलाइटिक फैशन करेगा जब चार्जेस इन्वॉल्व होंगे तो हाइड्रोलाइटिक हो जाएगा जब बस बॉन्ड तोड़नी है तो बस अल्ट्रावायलेट लाइट अनचार्ज तरीके से तोड़ेंगे हम रेस फेंक देंगे हम अल्ट्रावायलेट रेडियो वेव्स किसी भी तरह डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एनर्जी यू नीड टू ब्रेक दैट बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी से पता लगेगा ना यू प्रोवाइड दैट मच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो से बॉन्ड टूटेगी उसमें चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता वो होमोलिटिक करेगा हेट्रोलिटिक के लिए चार्ज इन्वॉल्व करना पड़ेगा सो so, उसका तरीका क्या है कि या तो आप कोई ऐसी चीज इधर से लाएं कि जो इस इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे दूसरी तरफ तो कोई एक नेगेटिव चीज लेके आए जो इन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ पुश करे और उनके साथ बॉन्डिंग कर ले वो क्या हो सकता है बड़ी सिंपल सी बात है लेट सपोज मेरे पास पहले से ही नेगेटिव और स्लाइडली पॉजिटिव चार्जेस हैं और मैं वाटर में इसको डिजोल्व कर देता हूँ वाटर का ये नेगेटिव जो स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है और इस पे जो लोन दिस हाइड्रोजन टूअर्ड इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सो इट इज पॉसिबल कि ये वाटर उस एज को अपनी तरफ पुल करे और इतनी स्ट्रांगली पुल करे कि हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे आए और

कि ए विल फॉर्म अ पॉजिटिव आयन एंड बी विल फॉर्म अ नेगेटिव आयन क्यों बी को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है एंड ए हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन वी से दिस विल क्रिएट व्हाट विल इट क्रिएट व्हाट इज दिस पॉजिटिव चार्जिंग इज इट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वॉट डेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स राइट पॉजिटिव चार्ज है ना So, we will call this thing electrophile. And this one, because of its lone pair, it's going to be strongly attracted to positive charges. This is going to be called nucleophile. Now, let's consider this and apply to something that we already know. Remember when HCl is added to water. इट इज एन एसिड वॉट डज इट डू इट फॉर्म्स H पॉजिटिव एंड Cl एल माइनस कैसे ऐसा क्या है वाटर में कि अच्छी खासी पोलर बॉन्ड टूट जाती है और उससे हमारे पास H पॉजिटिव और Cl एल माइनस बन जाते हैं भाई हाइड्रोलिटिक फिशन होती है क्यों होती है वाटर पुल्स ऑन दिस H पॉजिटिव so basically this is given to chlorine both the electrons are given to chlorine all acids do this anything that dissolves in water to form ions does this all alkalis do this in fact every time ionic bond is made this is what happens electron is transferred इट इज ओनली वेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल पोल ऑन द इलेक्ट्रॉन के वो आइनिक बॉन्ड बन जाती है ये टेक्निकली यही तो हो रहा है उन्होंने शेयरिंग की है और फॉर सम रीजन वो एक्सटर्नल भी हो सकती है इंटरनल भी हो सकती है दे हैव फॉर्म्ड आइन्स दिस इज अ रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक फिश ओके क्लियर एवरीबडी नाउ देर आर अदर वर्ड्स जो हमें आने चाहिए और अगेन ये लव्स हमें आते हैं हमने इनऑर्गेनिक में ये पढ़े हुए हमें कॉन्सेप्ट हम भी इनके आते हैं बस उनको नाम हम नए दे रहे फॉर एग्जाम्पल सब्सटीट्यूशन इसको हम इज वब्स्टिट्यूशन समथिंग इज बाय अदर थिंग सो हम सब्सटीट्यूशन का वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं क्यों कोई वजह नहीं है इट्स जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि दिस इज ऑर्गेनिक एंड दैट इज नॉट ऑर्गेनिक अच्छा फिर एक रिएक्शन है सब्सिट्यूशन में क्या है कि हम रिप्लेस करें तो अगर एक रेडिकल को रेडिकल से रिप्लेस करो तो उसको हम बोल देंगे रेडिकल सब्सिट्यूशन एक इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करो इलेक्ट्रोफाइल मतलब समथिंग विद अ पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज वाली एक चीज निकाल के दूसरी चीज उसकी जगह क्रिएट कर दो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक नेगेटिव चीज निकालो और दूसरी नेगेटिव चीज ऐड कर दो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास मेथेन है मैं इसमें क्लोरीन ऐड करता हूं अल्ट्रावायलेट लाइट दूंगा और हाइड्रोजन एटम बाहर निकल और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा

एफआरएस मतलब फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन अच्छा एक और भी हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन इसके लिए मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या वो किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड हो तो वो कैसे हो सकता है देर इज अ थिंग कॉल्ड बेंजीन बेंजीन में नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं ये जो रिंग है ना इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जेस होते हैं सो so वट है कि वो कैसे होता है हम उसकी बात करेंगे तो क्या होगा कि ये नाइट्रिक एसिड स्प्लिट होगा और बड़ी मजे की चीज है नॉर्मली हम देखते थे कि वाटर में नाइट्रिक एसिड स्प्लिट होता है और एच पॉजिटिव और एनओ थ्री नेगेटिव क्रिएट करता है बट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन ब्रेक इट डाउन इन टू अनदर पोर्शन हम ये कर सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कौनसन सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको ओ एच माइनस एंड एनओ टू प्लस में ब्रेक डाउन कर दें सिचुएशन से कंडीशन से बहुत फर्क पड़ता है सो वी कैन ब्रेक इट डाउन लाइक दिस और इस तरह का फायदा पता है क्या इस बेंजीन में है हाइड्रोजन जो इस इलेक्ट्रॉनिक रिंग की तरफ बहुत स्ट्रांगली पुल हो रहा है हाइड्रोजन की जगह पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्यों ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पुल करेंगे देखिए ऑर्गेनिक में जिस दिन आपको समझ आ गया ना कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और नेगेटिव चार्ज कहाँ है और पूरे रिएक्शन उनके मिलाप का नाम है आपको आधी ऑर्गेनिक समझ आ जाएगी यू जस्ट है पॉजिटिव द नेगेटिव चार्ज सो हेज वॉट है पॉजिटिव ऑन दिस अट्रैक्ट द नेगेटिव हेयर एंड सो द हाइड्रोजन दैट वॉज हेयर जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो बाय निकल आता है एज पॉजिटिव बन जाता है और उसकी जगह एनओ टू प्लस लग जाता है अब वो H -positive क्या करेगा? इस OH -negative से करेगा, इस से और आपको वाटर बन जाता है हम हाँ, वो एग्जैक्टली exactly कैसे हुआ अभी आपको नहीं जानना है मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि ये भी एक चीज होती है ये इस तरह से भी कर सकते हैं हम हमने एक पॉजिटिव चार्ज निकाला एंड वी पॉजिटिव चार्ज इन देयर इलेक्ट्रोफिलिक्स यू जस्ट है क्या गया है और उसकी बेस पे आपने नाम रखते अच्छा. Sir, yeah. है हैं अच्छा यू कैन ऑल्सोट्यूशन क्वेश्चन है अच्छा फिर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन होती है उसको हम लिखते हैं एस एन

तो अब क्या होगा बोला वॉटर होना चाहिए दिस ओ एच माइनस विल सब्स्टिट्यूट दिस बी आर माइनस अभी ये बी आर है बी आर माइनस नहीं है लेकिन सबसे पहले वो इसकी बॉन्ड को तोड़ेगा कैसे इस तरह डू यू अंडरस्टैंड दिस कर लिया इट शोज दैट वी आर गेटिंग बी आर माइनस एंड सी प्लस तो ये टूटेगा तो बन जाएगा C प्लस और बी आर माइनस इसके पास लोन पेयर है लेकिन साथ ही साथ ये भी तो टूटना है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी तो बनने हैं तो क्या होगा ये सो हाइड्रोक्साइड इस पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट और कर्ली एरो बता रहा है कि ये दोनों लोन पेयर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं

फिर डिस बाई जस्ट दिल्फ हम उसको फ्री रेडिकल बोल देते हैं अच्छा एनी क्वेश्चन फिर हमारे पास एक और मेजर काइंड ऑफ रिएक्शन है उसको बोलते हैं addition. Addition क्या है कि आपके पास कहीं पर अनसेचुरेटेड सिचुएशन है एंड यून एड यू कैन एड मोर थिंग्स देर जैसे अगर मेरे पास नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हों नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे होते हैं या तो लोन पेयर में होते हैं या एनाइंस में होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं या एक और भी होता है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जो पाई का क्लाउड होता है दिस हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज जैसे बेंजीन में भी हमने देखा दैट बेंजीन के रिंग में हमारे पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है इसी तरह यहाँ पे जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें भी नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है सो so, इसके नेगेटिव चार्जेस फ्लोट कर रहे हैं जस्ट लाइक यहाँ पे ये यह पूरा नेगेटिव चार्ज फ्लोट कर रहा है दिस नेगेटिव चार्ज पुल्स ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल किसी चीज के पास पॉजिटिव चार्ज होगा इवन स्लाइट पॉजिटिव चार्ज भी होगा ना तो ये उसको अटैक करेगा सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक ब्रोमीन ले आता हूँ और उस पर स्लाइड चार्जेस हैं तो क्या होगा ये पाए इलेक्ट्रॉन्स इनको पाए इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं जो ऐसे पाए क्लाउड में दे कैन अटैक दिस ब्रोमीन मैंने वर्ड यूज किया है अटैक इट शोज कि इन्होंने इनिशिएट किया रिएक्शन दे हैव पुल्ड ऑन दिस एंड द कर्ली एरो शोज दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग दिस द इलेक्ट्रॉन्स इन पाए क्लाउड एंड वेन दैट हैपन्स दे विल एड टू दिस प्रोसेस ऑफ हाउ दिस बट बेसिकली एंड पर हमारे पास हर कार्बन को एक एक ग्रोमिन मिल जाता है एंड द डबल वॉन्ट गोज अवे एडिशन जब भी होगी आपके पास जो शुरू में जिस चीज की वजह से एडिशन हुई है ना जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने अटैक किया था वो बाद में मौजूद नहीं रहेंगे एडिशन जब भी होगी दिस वन इज न्यूक्लियो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव चार्ज वॉज अटैक्ट सो पॉजिटिव चार्ज तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल में होता है समटाइम्स वी ऑल्सो है जहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज अटैक करता है मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं आपको कि लेट्स सपोज कार्बन आइल की बॉन्ड लेते लेट्स सपोज ये चीज है अब इस पर मैं कोई साइनाइट के पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है पोलर बॉन्ड है तो ये साइनाइट पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो अटैक कर ही नहीं सकता है क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि वो इसको रिपेल करेंगे इसके नेगेटिव चार्ज को लेकिन साइनाइड ये तो कर सकता है कि कहीं से इसको अटैक कर दे हाँ वो साइड से अटैक करना पड़ेगा उसे इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिपेल करेंगे लेकिन वो अटैक इस पर कर सकता है कहां से आएगा कैसे आएगा विल टॉक तो लेटर लेकिन चूंकि उसने पॉजिटिव चार्ज पे अटैक किया है और नेगेटिव स्पीशी ने अटैक किया है वी कॉल दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इससे हमारे पास बेसिकली एक ऐसे करके बन जाता है ये एंड यूजली इट हेल्प्स अगर यहाँ पे आपके पास एज की बजाय सी एच थ्री हो या इवन यहाँ पे भी चले एज ही रखते थे एक जगह पे सी एच थ्री करते थे So, इसका बड़ा फायदा होगा ये रिएक्शन करने में डबल बॉन्ड्स गॉन तो जिन्होंने ये रिएक्शन करवाया कि इलेक्ट्रॉन रिच था या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था दैट थिंग इज नो मोर देयर सही है तो so, एडिशन में सैचुरेशन आती है सब्स्टिट्यूशन में वो नहीं है सब्स्टिट्यूशन में डबल बॉन्ड का कोई ताल्लुक नहीं है की पॉइंट इज क्योंकि एक चीज गई और एक चीज आ गई यहाँ पे कुछ गया नहीं है एडिशन में। फिर हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिस स्पेशल केस ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम एक बॉन्ड को तोड़ते हैं और वहां पर नई चीज ऐड करते दिस इज स्लाइडली डिफरेंट फ्रॉम एडिशन रिएक्शन क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड तोड़ के हम रिएक्शन करते हैं वहां पे हम डबल बॉन्ड्स तोड़ते हैं एडिशन में हाइड्रोलिस में सिंगल बॉन्ड्स टूटती हैं फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास ये है और मैं इसमें वाटर ऐड कर देता हूं वॉटर विल ब्रेक दिस बॉन्ड हेर और दिस बॉन्ड हेयर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कौन सी वाली होगी बट वॉट विल हैपन इज That when this bond breaks, this part is separate and this part is separate. So, this will get H and this will get OH. One of them is getting H, one of them is getting OH. This is hydrolysis. This way, we are able to reverse esters or polymers. हम बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं और इसका रिवर्स क्या है हम एक सिंपल सा बाय प्रोडक्ट जैसे वाटर है उसको रिमूव करते हैं अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊं मैं यहाँ से एच रिमूव कर दूं और यहां से ओ एच रिमूव कर दूं और इनको आपस में ज्वाइन कर दूं सो दिस विल बी कॉल्ड सो इसका रिवर्स है कंडेंसेशन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस इज हाइड्रोलिस

अमोनिया निकाल सकते हो कंडेंसेशन में यू जस्ट रिमूव अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अ स्मॉल मॉलिक्यूल इट सेल्फ एंड यूर एबल टू गेट कंडेंसेशन स्टार्टेड फिर हमारे पास एक रिएक्शन है एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारी कोई भी सिंगल बॉन्ड्स टूटती हैं और डबल बॉन्ड्स क्रिएट होती है

the h goes with oh and makes water br stays as it is looking for some positive thing and these two carbons which have lost this they make a bond with each other this creates double bonds and the last category of these reactions is redox redox here we will mainly focus on not the definition that electrons are gained or lost to get reduction is Gain of ox electrons. Oxidation is loss of oxygen uh, electrons. Here we will focus on two things: either using hydrogen atoms or reducing agent for reduction, or using oxidizing agent for oxidation. Oxygen can also be used, but oxidizing agent. We will de use this definition. सो फॉर एग्जाम्पल यही रिएक्शन जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला इसको हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं सी एन नहीं चाहिए होगा हमें वी कैन रिमूव द डबल बॉन्ड मतलब वो चीज क्या थी हमारे पास सी एच थ्री था हाइड्रोजन था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं उसको बोलेंगे ये ये रिड्यूसिंग एजेंट का सिंबल है और ये हमें इस बॉन्ड को तोड़कर ओ OH, एच एच सी एच थ्री और एच ये इसने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया दिस इज रिडक्शन सिमिलरली ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करने के लिए वी कैन यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंबल है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एल्कोहल है एसिड uh, एथनोल है फॉर एग्जाम्पल

तो उस पर नेगेटिव अटैक करेगा सिंपली यही है और क्या है जो पॉजिटिव पे अटैक कर रही है वो न्यूक्लियो करेगी जो नेगेटिव से अटैक हो रहा है पॉजिटिव पे वो है इट्स ऑल अबाउट नोइंग कि चार्जेस कहाँ हैं और किस तरह से एंड देन वी हैव दिस कि अच्छा क्या हम किसी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं या उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हैं दिस इज एक्चुअली रियली इजी रिएक्शन